So good morning class. Today we will discuss about some important characteristics of p block elements, especially 15 group elements reaction with hydrogen. When these elements react with hydrogen, they form hydrides. Basically ये जो elements हैं ये hydrides बनाते हैं, और hydride का जो formula है वो है EH3. E मतलब होगा आपका element, वो nitrogen भी हो सकता है, phosphorus हो सकता है, arsenic, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ में तीन हाइड्रोजन एटम्स. बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड विच इज फॉर्म्ड बाय ग्रुप 15 एलिमेंट्स. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद दिस पार्ट, विद दिस रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज दैट कि वाट इज द ऑर्डर ऑफ द हाइड्राइड्स वेन यू मूव डाउन द ग्रुप. ऑर्डर क्या होगा उनका, उनकी बेसिसिटी का या उनके एसिडिटी का. बेटा आप कोई भी एक ऑर्डर याद कर लीजिए, कोई भी एक, या तो एसिडिटी का ऑर्डर याद कर लीजिए या बेसिसिटी का ऑर्डर याद कर लीजिए. आपने जो भी कोई ऑर्डर याद कर लिया, दूसरा ऑर्डर जो होगा वो उसका ऑपोजिट होगा. तो दोनों ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं, दैट जस्ट सिंपली क्रिएट्स अ कन्फ्यूजन. वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, उससे ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं करेगा. तो यू हेयर लर्न ओनली द बेसिक, जो बेसिसिटी है उसका ऑर्डर याद कर लीजिए. वेन यू मूव डाउन द ग्रुप बेसिसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, और इसका सीधा सीधा सा रीजन है बिकॉज डाउन द ग्रुप, वेन वी मूव डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस. मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, और जितना ज्यादा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, इनके जो हाइड्राइड्स हैं उनकी बेसिसिटी कम होती जाएगी. एक रीजन तो ये है. दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है. और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे, रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटल्स में रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा होता है और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर कम होता है. That is the reason. इसीलिए यहाँ पर जो आपकी बेसिसिटी है उसका ऑर्डर है, सबसे ज्यादा अमोनिया की बेसिसिटी है, देन फॉस्फीन, फॉस्फीन है ये PH3, देन आपका आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी हाइड्राइड है, एंड देन बिस्मिथ का हाइड्राइड है. तो दिस इज द ऑर्डर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन जो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा, और रीजन क्या है. द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है इसका, ठीक है. दूसरी बात, अगर मैं यहीं पर बात कर लूं, यहां पर देखो इन्होंने रीजन भी लिखा है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन NH3 exhibits hydrogen bonding in solid as well as in liquid state. और जिसकी वजह से इसका melting और boiling point जो है वो बाकी सबसे ज्यादा हो. In comparison to other hydrides, इसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जहां पर भी hydrogen, चाहे तो fluorine हो, चाहे वो nitrogen हो, चाहे वो oxygen हो, फॉन, दोबारा से याद करिए फॉन, जिनके साथ अगर इन तीन के साथ hydrogen आपका आता है तो hydrogen क्या करता है, hydrogen आपका hydrogen bonding कर लेता है ड्यू टू अ ग्रेट डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मोस्टली इन्हीं जो कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दो एक वीक बॉन्ड है, लेकिन बॉन्ड तो है ना, आपको एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ेगी ना उसको ब्रेक करने के लिए. दैट इज द मेन पॉइंट हियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर फॉस्फीन और बाकी तीनों हाइड्राइड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हैं. मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है अमोनिया का, उसका सीधा सीधा रीजन आप देंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तीसरा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है लेकिन पहले घटा है. यहाँ रीजन आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट में भी, और यहाँ पर क्यों बढ़ गया है उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर जाकर इनका मॉलिक्यूलर मास भी काफी बढ़ गया है. बेटा जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी वंडरवास फोर्सेस भी बढ़ेंगी, चाहे वो वीक फोर्सेस होती हैं लेकिन वो बढ़ेंगी, और उनके बढ़ने से आपका जो इफेक्ट है वो बॉइलिंग पॉइंट पर और मेल्टिंग पॉइंट पर आता ही आता है. उसके बाद दिस इज इंपॉर्टेंट, HEH एंगल. HEH का मतलब क्या है, हाइड्रोजन मेटल हाइड्रोजन, वो चाहे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है या बिस्मिथ है. एंगल सबसे ज्यादा एंगल है 107 अमोनिया में, देन NH3 में, इसमें सॉरी PH3 में उससे कम, देन AS3 में और कम, यहाँ तो ऑलमोस्ट सेम से हैं ये एंगल्स. तो बेसिकली हम इसे डील करेंगे. अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, ये एंगल यहाँ पर 107 डिग्री है,
इसका रीजन है सीधा सीधा सा यहाँ पर, ड्यू टू रिपल्शन इन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बेटा मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहती हूँ यहाँ पर, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बैक साइड में है, ये नाइट्रोजन है, ये एक लोन पेयर नाइट्रोजन पर प्रेजेंट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना बॉन्ड बनाने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए, वो 3 हाइड्रोजन से अटैच हो गया, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर देयर इज अ रिपल्शन इन दिस लोन पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर, और इन बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है। दैट इज द रीजन अमोनिया की अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, दैट इज sp3, और उस वजह से तो इसका एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन एंगल 109 डिग्री नहीं होता, 107 डिग्री होता है ड्यू टू दिस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के रिपल्शन की वजह से। दैट इज द रीजन आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने अभी देखा कि जो हमारे पेंटा हैलाइड्स हैं उनका कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा क्यों है और ट्राई हैलाइड्स का कम क्यों है अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल। ये याद रखिएगा, फजान्स रूल के 3 पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। पहला, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, अगला लार्जर द साइज ऑफ एनायन, एंड द लास्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा मैं उस पर कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आप एक एग्जाम्पल लेकर और समझ सकते हैं इस पॉइंट को, NaCl, then MgCl2, then AlCl3, NaCl, MgCl2, AlCl3, इस पॉइंट को भी आप समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको लिख देती हूँ तीनों पॉइंट्स, NaCl, then next is MgCl2, this is your next compound, and third compound is your AlCl3, मतलब aluminium chloride, AlCl3, this is your third compound। बेटा अगर आप इन तीनों को अगर आप देखें, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करें, यहाँ पर जो एनायन है आपका वो सेम है, लेकिन कैटायन जो है वो तीनों अलग अलग है। आप Na को देखिए, जो आपका Na है +1 चार्ज है, Mg +2 चार्ज है, Al +3 चार्ज है। और एक चीज और देखिए, जब आप अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं तो साइज लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है, तो सबसे छोटा साइज इसका है, उससे बड़ा इसका है, उससे बड़ा इसका है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर यहाँ पर होगा। नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको ये पॉइंट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा कि हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे अपना फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कोवेलेंट करेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी। बेटा मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो शो करती है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स के साथ भी बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिकली, जैसे कि कैल्शियम नाइट्राइड, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, मैग्नीशियम बिस्मिथाइड, दीज आर द कंपाउंड्स। ये वाला जो पॉइंट है ये आपको लर्न करना है। बहुत बार एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब हम इन मेटल्स के रिएक्शन करवाते हैं इन एलिमेंट्स की ग्रुप 15 एलिमेंट्स की मेटल्स के साथ, तो वो क्या बनाते हैं। बेसिकली वो ये जो है नाइट्राइड्स बना रहे हैं, फॉस्फाइड मतलब अजाइड्स बनाते हैं, बेसिकली दे फॉर्म अजाइड्स। नाउ सम क्वेश्चंस आर गिवन इन योर बुक। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहैलाइड, गिव रीजन। उसका रीजन है उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, pH 3 has lower boiling point than NH3. सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी ही है, जबकि pH 3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। दैट इज द रीजन। नाउ दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंटेक्स दिए हैं, वाई आर पेंटाहैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राईहैलाइड्स। मैंने अभी ये पॉइंट डिस्कस किया है, ऐसा क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज बिस्मिथ हाइड्राइड
BiH3, the strongest reducing agent among all the hydrides of group 15. आप इसका जो क्वेश्चन है वो बॉन्ड लेंथ पर जाता है, तो वो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से आप इसको डिस्कस करेंगे. आई थिंक दिस ऑल मच इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों को प्रॉपरली समझ आया होगा मैंने जो यहाँ पर समझाने की आपको कोशिश की है. इससे अगला जो टॉपिक है डाइनाइट्रोजन, ये मैं पहले अपनी स्लाइड्स में, पहली जो मेरी लाइव क्लास हुई थी उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ. तो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस अगेन. इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, यूजेस भी डिस्कस कर चुकी हूँ. अमोनिया भी मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, अमोनिया आई हैव डिस्कस्ड. अमोनिया का जो ये फ्लो चार्ट है ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस. देखिए ये प्लांट है जिसमें अमोनिया बन रहा है. अमोनिया किस तरीके से बनता है, दिस इज द प्लांट विच इज शोइंग यू हाउ वी प्रिपेयर अमोनिया इन ऑन लार्ज स्केल. हम लार्ज स्केल पर अमोनिया को कैसे बनाते हैं. हाइड्रोजन एक पार्ट से गया, नाइट्रोजन एक पार्ट से गया, कंप्रेसर यहाँ पर हमने डाला है और वो इतना कंप्रेस कर रहा है आपके वॉल्यूम को. देन ये यहाँ से पास हुआ और कैटलिस्ट, आयरन ऑक्साइड हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड विद पोटेशियम ऑक्साइड, ये तीनों चीज मिलकर हमारे एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं. और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ से निकला ये सीधा यहाँ जाएगा. यहाँ जैसे ही जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अमोनिया. लेकिन यहाँ पर मिक्सचर तीनों का मिलेगा और वो तीनों का जो मिक्सचर है वो इस टैंक में जाएगा. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं. एक्चुअली अमोनिया का जो लिक्विड होने का, मेल्ट होने का जो टेम्परेचर है दैट इज लेस इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो यहाँ पर अमोनिया आपकी लिक्विफाई हो जाएगी लेकिन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लिक्विफाई नहीं होंगे. तो दोबारा से फिर यहीं चले जाएंगे पंप के थ्रू एंड अगेन दे कंबाइंड विद दिस पार्ट. वो फिर दोबारा से इसी कंप्रेसर के पार्ट को कंबाइन करते हुए फिर से यहाँ एंटर करेंगे एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. दिस इज बेसिकली द प्लांट विच वी यूज टू प्रिपेयर अमोनिया गैस. हम अमोनिया गैस को इस प्लांट के थ्रू प्रिपेयर करते हैं. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. अमोनिया का स्ट्रक्चर मैं आपको इससे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं लोन पेयर्स का और उनके एंगल्स का रिप्रेजेंटेशन मेंशन करना जरूर ध्यान रखें. अगर आपने एंगल छोड़ दिया, लोन पेयर छोड़ दिया या कुछ भी चीज स्ट्रक्चर से छोड़ी तो वहां पर एग्जामिनर के पास जगह होती है आपके मार्क्स को डिटेक्ट करने की. तो आप जितने भी स्ट्रक्चर्स लर्न करें थॉरोली लर्न करें, प्रॉपरली लर्न करें जिससे कि आप गलती ना करें. और स्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा जब तक आप 10 से 15 बार उसको कम से कम अपनी कॉपी पर ड्रॉ नहीं कर लेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया भी मैं पहले ही डिस्कस आपसे कर चुकी हूँ, नो नीड टू डिस्कस इट अगेन. ये क्वेश्चन बहुत आता है तो इसमें हम ये वाली रिएक्शन बहुत देते हैं. ये वाली रिएक्शन तो कंप्लीट करने के लिए भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है. तो रिमेंबर दीज थ्री रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों रिएक्शंस. रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डज NH3 एक्ट एज अ लुईस बेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज अ लुईस बेस. बेटा हमने लास्ट ईयर लुईस बेस, लुईस एसिड्स, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट सारे कंसेप्ट पढ़े थे और सब लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी बेसिस की और एसिड्स की. लुईस ने जो बेसिस की डेफिनेशन दी थी वो दी थी कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर सके वो लुईस बेस होता है. अमोनिया को लुईस बेस क्यों कहते हैं, वी नो दैट. अभी हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा था, मैं दोबारा वही ले चलती हूँ आपको. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमोनिया. अमोनिया के पास एक ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर डोनेट कर कंपाउंड बना लेता है अमोनियम आयन जो बनता है NH4 पॉजिटिव, या कोई और कंपाउंड भी बनता है. एक कंपाउंड और बता सकती हूँ मैं आपको, NH3BF3. लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स बनाता है लेकिन अमोनिया अपना लोन पेयर उसके साथ शेयर कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और अमोनिया भी सेटल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है. दैट इज अ कंपाउंड. तो दिस इज बेसिकली अबाउट, ड्यू टू दिस रीजन अमोनिया बिहेव्स एज अ लोन पेयर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट, टेल मी दिस थिंग.